समाजवादी पार्टी के सांसद सुखराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लाउड स्पीकर की बात करें या बिजली संकट की बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिजली संकट वास्तव में एक बड़ी गंभीर समस्या है और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि सौर ऊर्जा का प्रस्ताव देना चाहिए। वही एक विकल्प हमारा हो सकता है, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा हो और उसका लाभ पूरे आबादी को मिलेगा। समझता हूँ कि उस पर सरकार चिंतित भी है और काम भी कर रही है। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी चाचा भतीजे की बात करें, टूटती हुई दूरियां और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से कल शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है कि मैं जिस तरीके से मैंने पाला पोसा बड़ा किया और रौनता चला गया, कितनी ये नफरत कहीं ना कहीं बढ़ती नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय मुलायम सिंह ने पूरे प्रदेश में उन लोगों को साथ राय बसरा करके, मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारे परिवार की भूमिका भी है, हमारे पिताजी की भूमिका भी है और कहीं ना कहीं हमारी भूमिका भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी से जोया था, उस प्रकार से एक एक माला को बना करके बड़ी माला बनाई थी उन्होंने। अब मैं समझता हूँ कि सब छोटे छोटे फूल प्रकार से बिखरते जा रहे हैं और माला जो बड़ी माला थी वो बहुत छोटी माला हो चुकी है फिलहाल। अब माला कब और छोटी हो जाएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यही हालत अगर रही पार्टी की तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने वो दौर भी देखा है 1960-70-80 जब संघर्ष था, कुछ था नहीं पार्टी के पास, धीरे धीरे नेताजी ने पार्टी को बढ़ाया, तो अब किसको आप दोषी मानते हैं, आखिर क्या चल रहा है? देखिए, मुलायम सिंह का सबसे बड़ा नेता, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे पास राजनीति में दो ही नेता हमारे पास हैं, चौधरी चरण सिंह और माननीय मुलायम सिंह। नेता बहुत हो सकते हैं लेकिन दो नेताओं को मैं अपना आदर्श मानता था, उसमें इन दोनों नेताओं की बात मैं करता हूँ। अब स्थिति ये हो गई है, नेता बनना बहुत चाहते हैं लोग लेकिन नेता की गुण उनके अंदर नहीं है। जब तक नेता के अंदर सहनशीलता नहीं होगी, नेता के अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, नेता कभी नहीं बन सकता। मुलायम सिंह ने जिस प्रकार का दौर देखा है, हर प्रकार का दौर देखा है और सत्ता विपक्ष दोनों को उन्होंने आज किस प्रकार से समावेश था उनका कि कोई भी इनका बुराई आज करने को तैयार नहीं है। ये मुलायम सिंह क्षमता थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। अब लोग नहीं चाहते समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी में जो लोग नेतृत्व उनके पास में है, मैंने पहले ही प्रश्न उठाया था कि जब सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि एक चुनाव के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद माननीय नेताजी को वापस कर दूंगा, उसके बाद 3 चुनाव हो चुके हैं, अब तक माननीय नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद वापस नहीं किया गया। मैं समझता हूँ लोग भले इसको छोटा समझते हों, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी ने पार्टी को बनाकर खड़ा किया हो, उस आदमी का सम्मान ही नहीं अब रहेगा दल में, तो आगे और लोग हाल क्या हो सकता है मैं नहीं कह सकता। आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव में वो गुड नहीं है? मैं किसी के गुण अवगुण की बात नहीं करता, मैं जो बात कही गई थी उसकी तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि जब शारीरिक तौर पर कहा गया था कि मैं इस चुनाव के बाद माननीय मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद वापस कर दूंगा, अब तक वो पद वापस क्यों नहीं किया गया? वो हालांकि बड़ा विषय है लेकिन चूंकि मैं भी इस पार्टी में का एक अंग हूँ, स्थापना मैंने कराई है पार्टी की, उसके लिए संघर्ष किया है, काम किया है माननीय मुलायम सिंह के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुलायम सिंह का सम्मान एक बार फिर वापस होना चाहिए। क्या लगता है 2024 में क्या स्थिति रहेगी? 24 का समय काफ़ी अभी है, अभी नहीं कह सकता क्या स्थिति होगी, लेकिन यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ बुजुर्गों का सम्मान यदि रहेगा दल में तो दल आगे बढ़ेगा। तो अब सर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है, अगर पिछले 4-5 चुनाव उठाकर देखें तो लगातार पार्टी हारी है, 2017 हो, 19 हो, 22 हो, फिर किस तरीके से आपको, मतलब क्या कुछ सुझाव आप लोग देते नहीं? मैं मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मानता हूँ, मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। मुलायम सिंह जी जब चाहेंगे तो इस पार्टी को फिर एक बार फिर ऊपर उसी प्रकार ला सकते हैं जिस प्रकार पहले थी, ये उनकी क्षमता है, बाकी क्षमता में किसी नहीं होती। सर क्या ये मानूं कि आने वाले समय में बीजेपी का रुख कर सकते हैं आप? देखिए, मैंने फिर कहा जब तक माननीय नेताजी हैं और उनका ही स्नेह मुझे प्राप्त रहेगा, कहीं जाने संभावना नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं जाने नंबर भी आएगा तो बिना मुलायम सिंह जी के राय के मैं कहीं नहीं जाऊँ। मतलब नेताजी कहेंगे तो जा सकते हैं? बिल्कुल, उनके कहने पर कुछ कर सकता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी के सांसद सुखराम यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस पार्टी में पहले की तरह अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा तो वो पार्टी जो है वो आगे बहुत ही मुश्किल है कि वो आगे बढ़ सके। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।